नमस्कार मंत्र शक्ति, ब्रेकिंग सोडा से जेंडर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में बात करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जो तरीका बताया जाएगा वह वैज्ञानिक रिसर्च के पर आधारित है। मंत्र शक्ति, रिसर्च तो केवल टेक्निकल बात होती है, लेकिन हम आपको साधारण भाषा में इसे समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ब्रेकिंग सोडा किस प्रकार से जेंडर प्रिडिक्शन करने में सक्षम होता है। मार शक्ति, अपवाद फिर भी रहता है, क्योंकि कोई भी रिसर्च 100% इस मामले में सही नहीं हो सकती कि गर्भ में लड़का है या लड़की, लेकिन फिर भी आप 90% सही है ये मानकर चल सकती हैं। लेकिन आप इसके आधार पर 100% जेंडर प्रिडिक्शन सही नहीं कर सकते, ना ही कुछ न कुछ कमी रह सकती है, और इस आधार पर भ्रूण हत्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और वैसे तो भारतीय कानून में भ्रूण हत्या और किसी भी डॉक्टर द्वारा या स्पेशलिस्ट द्वारा प्रयोग करके जेंडर की जानकारी देना कानूनी जुर्म है। इसके लिए यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टिकोण से ही देखें, सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी जिज्ञासा को शांत करें। आज हम बात करेंगे कि यह प्रयोग कैसे किया जाता है, किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, प्रेगनेंसी में कौन कौन से महीने में करें, और किन परिस्थितियों में रिजल्ट गलत आ सकता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको यह सूचना देते हुए काफी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमने क्लासिकल एंड फ्यूजन एकेडमी नाम से एक और नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जहां आप कथक देख सकते हैं, सीख सकते हैं, फिल्मी गाने, मंत्र और भजनों की नोटेशन अर्थात उन्हें कैसे प्ले किया जाए यह भी सीख सकते हैं, इनके गायन का आनंद ले सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट पर भी इनके म्यूजिक को सुनकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, उसे देखें, आपको वह जरूर पसंद आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मातृशक्ति, हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में काफी सारे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक होते हैं। पुत्र और प्रपुत्री के लिए हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, या आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि गर्भ में अगर बेटा है तो अलग अलग हार्मोन्स की मात्रा अलग अलग होगी, और अगर गर्भ में बेटी है तो हार्मोन्स की मात्रा अलग अलग हो सकती है, और कुछ हार्मोन्स कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। यह टेस्ट HCG हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण होता है। प्रेगनेंसी के कुछ समय बाद अधिकतर हार्मोन्स महिला के ब्लड में आ जाते हैं और यूरिन में भी आ जाते हैं। रामजी थ्योरी के अनुसार जब महिला के गर्भ में पुत्र संतान होती है तो महिला के शरीर का pH मान हल्का सा एसिडिक होता है, और जब महिला के गर्भ में पुत्री संतान होती है तो pH मान हल्का सा क्षारीय होता है। इसी वजह से महिला के यूरिन में क्षारीय या एसिडिक हो सकता है। जब महिला के घर में पुत्र होता है तो महिला के यूरिन में एसिडिक होता है, और जब पुत्री होती है तो क्षारीय होता है। यह एक रिसर्च रिपोर्ट है। अब बात करते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि महिला का शरीर क्षारीय है या एसिडिक नेचर का है। ब्रेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है, जब महिला के यूरिन में मिलाया जाता है तो रिएक्शन करेगा। क्षारीय पदार्थ हमेशा एसिडिक पदार्थ से रिएक्शन करते हैं, और एसिडिक पदार्थ हमेशा क्षारीय पदार्थों से रिएक्शन करते हैं। क्षार क्षार से और एसिड एसिड से मिलाया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। जैसे ही महिला के यूरिन में ब्रेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उसमें रिएक्शन होती है या नहीं होती है, इस आधार पर जेंडर प्रिडिक्शन किया जाता है। आइए जानते हैं इसे कैसे करते हैं। हमें एक महिला का उस वक्त का यूरिन लेना है जब HCG हार्मोन और दूसरे हार्मोन अधिक से अधिक मात्रा में हो। इसके लिए मॉर्निंग का यूरिन लेना सबसे अच्छा माना जाता है। तो महिला के शरीर एसिडिक है तो उसमें यूरिन मैक्सिमम एसिडिक रहेगा, और अगर महिला का शरीर क्षारीय है तो उसका यूरिन उस वक्त मैक्सिमम क्षारीय होता है। लोग अलग अलग मिलाकर प्रैक्टिकल करते हैं और जेंडर प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ लोग यूरिन को एक कांच के बर्तन में लेकर उसमें ब्रेकिंग सोडा डालते हैं। अगर ब्रेकिंग सोडा मिलाने से बुलबुले उठते हैं तो गर्भ में बेटा है, क्योंकि ये माना जाता है यूरिन एसिडिक है, और ब्रेकिंग सोडा क्षारीय है तो रिएक्शन नहीं होगा तो गर्भ में लड़की है। अधिक एसिडिक नेचर किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, उसके लिए डॉक्टर से मिलना होगा। इस अवस्था में अधिक तेजी से बुलबुले उठते हैं। यह प्रयोग आप 3 बार लगातार करके देखें। अगर आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है तो मानकर चले गर्भ में बेटा है, और अगर ब्रेकिंग सोडा मिलाने से किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है तो यूरिन क्षारीय नेचर का है और गर्भ में लड़की होने के चांस ज्यादा है। इस प्रकार से ब्रेकिंग सोडा से जेंडर प्रेडिक्शन किया जाता है। यह जेंडर प्रेडिक्शन प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में नहीं किया जाता है। इसके लिए
आपको लगभग 2 से 3 महीने बाद ही प्रेगनेंसी के बाद ही ये करना सही रहता है। इसमें रिजल्ट ज्यादा एसिडिक आने की उम्मीद होती है। दूसरा, शरीर का क्षारीय और एसिडिक नेचर होना महिला के भोजन की प्रकृति पर भी काफी निर्भर करता है। हल्की सी तबीयत खराब होने पर या इन्फेक्शन हो जाने पर महिला के शरीर का नेचर एसिडिक हो सकता है, भले ही घर में लड़का हो या लड़की। इस स्थिति में रिजल्ट सही नहीं आएगा, लेकिन यह स्थिति लगभग ना के बराबर ही होती है। यह प्रयोग आप तभी करें जब महिला बिल्कुल स्वस्थ महसूस करती हो और किसी प्रकार का इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार ना हो। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।